સમગ્ર પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીના માળિયા ખાતે આવેલા ડીયર પાર્કમાં વિદ્યાર્થીઓ અને પ્રકૃતિ પ્રેમીઓએ પર્યાવરણ જનજાગૃતિ અંતર્ગત છ કિલોમીટરનું ટ્રેકિંગ કરી ડાઇવ સિટી દિવસની ઉજવણી કરી હતી દાદરાનગર હવેલીના વન વિભાગ દ્વારા આયોજીત ડાઇવ સિટી દિવસ અંતર્ગત ટ્રેકિંગ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં ડિયર પાર્ક ખાતે યોજાયેલા કેમ્પમાં વિદ્યાર્થીઓ અને પ્રકૃતિ પ્રેમીઓએ છ કિલોમીટર સુધી ટ્રેકિંગ કરી અલભ્ય વૃક્ષો તેમજ હરણો નીલગાઈ चौसे प्राणियों ने निहाली प्रकृति दर्शन गाइड किया है उन्होंने बताया कि हम कैसे अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते और कैसे हम एनिमल्स के साथ अच्छे से रह सकते बिना उनको हार्म किए ना ही वो हमें हार्म करेंगे ना ही हम उनको हार्म करेंगे तो हम लोग एंजॉय भी ले सकते हैं और ट्रीज फूड के बारे में बताया ट्रीज के बारे में बताया कि हम जब भी इधर उधर जाते हैं तो मतलब ट्रीज को सेव रखना है किसी भी चीज को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए सर आज 22 को आज बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे है और 22 क्या यहाँ हमारे सिलवासा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमारे किरण सर ने काफी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है और इनके टीम ने काफी बड़ा ऑर्गेनाइज किया हुआ है तो हमारे सिलवासा से काफी स्टूडेंट्स और यंग यूथ लड़के लोग ने काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया ऑलमोस्ट हंड्रेड टू वन फिफ्टी और ऐसे भी बहुत सारे लड़के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि यह सिलवासा एक छोटा सा एरिया है और यहाँ पर आ, बहुत छोटा सा एरिया और ऐसी चीज अच्छे अच्छे मेट्रो सिटीज में भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं लेकिन हमारे छोटे से सिलवास एरिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों ने इतना बड़ा मतलब डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है और आज ये डे के अंदर हमें हमारे सर किरण सर ने काफी कुछ हमें गाइड किया और बच्चों को गाइड किया कि किस तरीके से हम प्लांटेशन कर सकते हैं एनवायरनमेंट को शुद्ध कर सकते हैं वाटर सेफ कर सकते हैं और आने वाले जनरेशन को बच्चों को किस तरीके से यही फ्रेश चीज वापस उनको दे सकते हैं और काफी कुछ सर ने हमें फूड के बारे में भी गाइडेंस किया कैसे हम अपने हेल्थ को और भी प्योरिटीज और और स्ट्रांग कर सकते हैं जैसे सीजनल फूड्स हम खा सकते हैं सीजन के हिसाब से हम हर चीज ले सकते हैं जैसे लिक्विड हो गया या फिर फूड रॉ चीज हो गया और भी हम अपने हेल्थ को कैसे और बेस्ट कर सकते हैं और ओवरऑल मैं यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सर किरण सर को बहुत थैंकफुल बोलूंगा इनकी पूरी टीम को थैंकफुल बोलूंगा कि ये हर साल इतने अच्छे ऑर्गनाइजेशन करते हैं और बच्चों को गैदर करते हैं इनको काफी अच्छे लिटरेट करते हैं गाइड करते हैं कि किस तरीके से हम फॉरेस्ट में वॉक कर सकते हैं एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं उनको विदाउट एनी हार्म पहुंचाते हुए हम कैसे उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं आज आज ट्वेंटी ट्वेंटी सेकेंड डे मे को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी मनाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करना है और उसको सस्टेनेबल यूज करना है ताकि आने वाली पीढ़ियों को बायोडाइवर्सिटी से अच्छे हेल्थ और ह्यूमन लाइफ एक्सिस्टेंस चला रहे आज हम लोग ने बच्चों के साथ ट्रैकिंग रखा है उनका गाइड रखा है नेचर के बारे में नेचर के गाइड किया हुआ है आज का हमारा जो थीम है आवर बायोडाइवर्सिटी आवर फूड एंड आवर हेल्थ उसके बारे में उनको ब्रीफ किया है उनको ये बत, उनको भी बताएंगे और ये टीवी के माध्यम से सभी को हम बताना चाहेंगे कि हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए कुछ इस ईयर इस, इस इस की जो थीम है उसके ऊपर अगर हम देखे जाए तो हमें सबसे पहले मांसाहार का यूज थोड़ा उसको कम करना चाहिए सीजनल फूड फ्रूट्स है सीजनल फूड और फ्रूट्स को हमें यूज़ करना चाहिए जो बाजार में मिलता है हर सीजन में मिलते हैं और हमारा जो वेजिटेबल स्क्रैप रहता है वेजिटेबल स्क्रैप को हमें कंपोज करके वापस यूज करना चाहिए और सबसे जरूरी बात जो है आज हम जो फूड का वेस्ट करते हैं रेस्टोरेंट और पार्टी में या तो हम पिकनिक में जही पे भी जाते हैं हमारा फूड का जो वेस्ट है उनको एकदम से बंद करना है हमें फूड वेस्ट नहीं होना चाहिए उसको इंश्योर करना है और हमें हमारे आसपास की सभी प्रकृति को सूक्ष्म जीवों को सबको बचा के रखना है ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसको इस्तेमाल कर सके